हेलो चेतन, हेलो सर, पद्मा सर, हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। या आपको मैं आपसे थोड़ा कुछ जानकारी करना चाह रहा था। ज़रूर बोलिए। आप कब शतरंज शुरू किए? देखिए, मैं शतरंज 12 साल से खेल रहा हूँ। माय एज इज 25 नाउ। ओके, ट्वेल्व इयर्स। आप किससे सीखे थे? मेरे पिताजी चेस प्लेयर थे और हमारे नेशनल प्लेयर है वो, तो उनके फ्रेंड सर्कल आते थे, मैं उनसे देख के सीखा हूँ। उनके फ्रेंड्स और से आप भी आते थे, मुझे याद है। आप सब जी हाँ, जी आप हाँ। भी मुझे सिखाया, आप भी मेरे कोच हैं। आप मुझे डांटते थे, मुझे वो भी याद है। तो मेरा गलत करता था मैं, वो उससे वो चीज़ों सिखाऊँ मैं। थैंक यू। आप मैं ये अल्फाज सुन के मैं बहुत खुश हुआ हूँ क्योंकि मुझसे भी सीखे। मैं तो चलते फिरते देख के कुछ बताया था एज ए स्पेक्टेटर। वही काम आया सर मेरे को, चलते फिरते जो करते ना, वही ओ, काम आया मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ग्रेट। बहुत हैप्पी हुआ आपका बात सुनकर। और मुझे और बताइए, कैसे बच्चों के लिए, कौन से एज के बच्चों के लिए सिखाने से आगे बढ़ सकते हैं लोग? देखिए, मैं कोच हूँ, मैं जी कोचिंग करता था पहले, अब तो बंद कर दिया हूँ। जी सो मैं कोचिंग करता था, तो मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो बच्चे सीखते नहीं थे मेरे से इतना। तो मैं रीज़न सोचता था, अरे क्यों नहीं सीख रहे हैं, मेरे पर कुछ डिफेक्ट है क्या, बच्चे सीख क्यों नहीं पा रहे हैं। बच्चों को असल मेन प्रैक्टिस नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो वो चेस जो जो वो ATC का कॉन्सेप्ट है, मुझे पसंद आया वो। सो बच्चों को अगर आपने सिखाना चाहिए तो आप कोच की ज़रूरत नहीं है आपको, बस इधर आइए, प्रैक्टिस करिए और आप खेल सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत कुछ चांस है। सीखना और खेलना बोले तो किस तरह खेल सकते हैं? ATC में प्रैक्टिस होने के बाद कहाँ जा सकते हैं, किधर जा सकते हैं, ये बता सकते हैं आप? ATC में प्रैक्टिस करके बाद वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं आप। किस तरह? यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, यहाँ पे जो 1-9 आते हैं वो 1 बजे शुरू होता है, यहाँ पे 9 o'clock तक रहता है। और अच्छे प्लेयर्स आते हैं, 800 के रेटेड प्लेयर्स आते हैं, 2000 के आते हैं, 1600 के आते हैं, 1700 के आते हैं। सो मैं तो बोल रहा हूँ 2000 तो ईजी बन सकता है यहाँ पे प्लेयर। अब उसके अच्छा, आगे उसका टैलेंट अच्छा रहा तो वो और अच्छा होगा। वो किस तरह का प्रिपरेशन मिल सकता है आपको आगे और बच्चों के लिए, खास करके? मैं बड़ों के तो पूछ नहीं सकता हूँ। देखिए, बच्चों के लिए मेन यहाँ पे प्रैक्टिस होना है बच्चों के लिए। बच्चों तो सबसे शार्प रहते हैं, बड़ों से कंपेयर करेंगे तो बच्चे ही जल्दी सीख सकते हैं हर कोई भी चीज़। बड़े तो रहेंगे, बड़े को सीखने में तो देर लगता है, लेकिन बच्चों को सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगता है क्योंकि उनका माइंड फ्रेश रहता है एकदम। तो वो प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे हमारे कोचेस भी रहते हैं, सीनियर प्लेयर्स रहते हैं, वो एडवाइस देते हैं, भाई आप ऐसा खेलिए, आप ऐसा खेलिए, गेम्स के बाद तो वो सीख सकते हैं हमारे यहाँ से। जी, इसमें मैं एक चूक गया हूँ, बोलिए। एक चीज़ बताइए, कौन से उम्र के बच्चे सीख सकते हैं? अच्छा, फास्ट आपके जो नज़र में, क्यों बोलते हो, आप बच्चे थे, बच्चे के उम्र में से ज़रूर सीख के आए, ज़रूर। आपका रेटिंग बनाया और आपके अच्छे अच्छे प्लेसेस है बाकी कुछ टूर्नामेंटों में देखने को मिला आपके बारे में, तो ये आपका तजुर्बा आपको बच्चों को देने से मेरे ख्याल से बच्चों को एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा आपके अल्फाज में, मैं चाह रहा हूँ था। मैं भी मेरा कोई कोच नहीं था, फ्रेंकली बोलूँगा तो फ्रेंड्स आते थे, मैं खेलता था, कोचिंग बोलते, मैं कोचिंग ले लिया हूँ ऐसा। अच्छा, एडवाइस देता था सीनियर प्लेयर उनके। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पे भी ATC में यही कॉन्सेप्ट है, सीनियर्स प्लेयर्स रहते हैं, उनसे एडवाइस लीजिए, उनसे प्रैक्टिस करिए। मैं बोल रहा हूँ कि 8-7 ईयर्स के बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं हम। अच्छा, ये वो 7 ईयर्स के बच्चों से खेल सकते हैं, अच्छा इम्प्रूव हो सकता है उनके, उनका करियर भी चेस में बना सकते हैं वो। जो ये, और अपने पास बच्चों के टूर्नामेंट कहाँ पे होता, क्या होता, कुछ उसका भी जानकारी दिए तो बच्चे बहुत खुश होगा इसमें। क्यों बोलते, खाली प्रैक्टिस करने से होता नहीं? और टूर्नामेंट्स कैसा खेल सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, घर पे जा सकते हैं, या कोई और क्लब में जा सकते हैं, या कोई ओपन टूर्नामेंट्स में जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिए तो और बच्चे बहुत खुश होगा। प्रैक्टिस तो आके इधर करना ही है पहले। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग पूल में जाना ही है जी, जब भी आप स्विमिंग सीख सकेंगे। ये भी ऐसी है, जब आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको प्रैक्टिस यहाँ पे आना है, प्रैक्टिस करना है, फिर गेम आपका बढ़ेगा। हाँ, आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, ऑनलाइन chess.com कितने की वेबसाइट है, तो आप उसमें खेल सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा लाइव चेस का, वो दूसरा एक्सपीरियंस कहाँ भी नहीं मिल सकता है। मुझे एक चीज़ डिटेल्स दीजिए, कोई भी बच्चे इधर आना चाह रहे तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है और उसका टाइमिंग क्या है, सो दैट बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस मिलेगा, जो भी कुछ पार्टिसिपेट करना चाह रहे, कोई ज्वाइन करना चाह रहे तो उसके बारे में डिटेल्स बताइए। एलिजिबिलिटी तो बस वो इसका इंटरेस्ट है तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, उसको इंटरेस्ट रहना है मेन बच्चों को। और हमारा यहाँ पे 1-9 रहता है, 1 बजे आते हैं हम दोपहर को, रात को 9 o'clock तक रहता है यहाँ पे ओपन। तो कभी भी आप प्लेयर्स आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी सब फ्री रहता है, कुछ यहाँ पे कुछ कमर्शियल भी नहीं है,
हमारे जो ATC से फाउंडर है दयानंद सर, उनका कॉन्सेप्ट एक ही है कि चेस को डेवलप करना है, बस प्रमोट करना है बस, वो उनका एक ही यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पे लगाए। मैं लास्ट ईयर में यहाँ पे आया था, जब मैं देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा हीट चल रहा है बस। मैं बचपन में हमारे घर पे जो फ्रेंड्स आते थे वो वैसे यहाँ पे भी देखने को मिला मुझे, जब पिताजी के फ्रेंड्स आते थे तो वो भी यहाँ पे भी ऐसे आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे बचपन के दिन भी याद आ गए थे। फिर मैं वैसे ATC में फिर से ज्वाइन हो गया हूँ और मैं अभी ATC में पार्ट भी हूँ, मुझे दयानंद सर ने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं ATC अभी सर नहीं है, सर के ऑप्शन पर मैं कर रहा हूँ अभी पूरे एक्टिविटीज़, और मुझे खुशी है मैं ATC का पार्ट हूँ बोल के, और मुझे बहुत प्राउड फील होता हूँ मैं। गुड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। यस सर।